हरिओम जी, 10 अप्रैल शायद आपको इस डेट का कोई ध्यान ना हो, ज्यादातर लोगों को नहीं है। आज के दिन इंग्लैंड से टाइटैनिक शिप निकला था न्यूयॉर्क के लिए, अपने टाइम का सबसे सेफेस्ट शिप था वो। मूवी में आपने देखा ही होगा, वो शिप जो था वो मॉडर्न वंडर था उस समय का। बट व्हाट हैपन टू दैट शिप इज अ बिगेस्ट ट्रेजेडी इन द ह्यूमन हिस्ट्री। सेफेस्ट था सबसे ज्यादा। हम सब एक्सटर्नल वर्ल्ड को ठीक करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते, लेकिन काल जिस समय जैसे जहां आना है, मौत आपको उसी समय वहां पे ले जाती है। जब काल कराल के आल पड़े तो कोई बचावन वाला नहीं। आइसलैंड में जाके वो सीधा जाके हिट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, कितना हुआ, हम सबको पता है। मौत, मृत्यु, एक्सीडेंट, ये है क्या? देर इज नो एक्सीडेंट इन दिस वर्ल्ड। आई रिपीट, देर इज नो एक्सीडेंट इन दिस वर्ल्ड। डेथ हैपन्स व्हेन योर प्रारब्ध आर ओवर। चाहे वो शिप कोलैप्स हो जाए, चाहे वो एरोप्लेन कोलैप्स हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो बिस्तरे पे हो, चाहे वो रोड पे हो, मृत्यु का समय, जगह, काल सब प्री ऑर्डेन्ड है। प्रारब्ध कहते हैं उसे। सो बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट एनवायरमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के आदमी खराब व्हीकल में बैठे, खराब चीज में बैठे, बट काल बहुत महान है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मैं सबको अपने कंट्रोल में करने वाला काल। सो टाइटैनिक की ये जो घटना घटी, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया था उस समय। आज ही के दिन से वो वॉयज के लिए शुरू हुआ था, एंड देयर आफ्टर हमारी साइंस टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नए सिस्टम आए, ग्रेट। बट जो अध्यात्म की संसारिक खबर में अध्यात्म की बात है, वो ये है, गतासूंश्च गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो चले गए, दूसरे जो जाने वाले हैं। कब जाने वाले, कैसे जाने वाले, क्यों जाने वाले, कहां जाने वाले, पता नहीं, पर एक बात पक्की है कि जाने वाले। लेकिन 12वें श्लोक में भगवान जी ने बिल्कुल उल्टी बात कर दी। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, दूसरे अध्याय के, गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडित, एक जो चले गए दूसरे जाने वाले, पर 12वें में कहते मैं नहीं जाऊंगा, तू नहीं जाएगा, और ये राजा लोग भी नहीं जाएंगे। तो डेथ इज नथिंग बट ए चेंज ऑफ ड्रेस इन एड्रेस। हमारे अंदर का जो अंतकरण है वो कभी नहीं मरता, वो शरीर को लेके दूसरा शरीर ले लेता है, और अगर अंतकरण डिसॉल्व हो जाए तो वो मोक्ष है, निर्वाण है। सोचिएगा इस बारे में।